हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, आज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इसका कंडीशन है वो सारा बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर। जो जो इकोनॉमिकली वीकर है, अपर कास्ट, उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। ये एक प्रस्ताव रखा गया है 10% रिजर्वेशन का, जो इकोनॉमिकली वीकर अपर क्लास कास्ट है, उसका यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया, आज परमिशन दी है इसकी। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल नाउ मूव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा इन ऑर्डर टू ग्रांट दिस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल, 10% जो इकोनॉमिकली जो वीकर है, अपर क्लास, जनरल कैटेगरी, उनको 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसका पूरा मैं लास्ट तक बताऊंगा, वो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ले आते हैं जो आपके भले के लिए होती है। हर रिक्रूटमेंट की रिलेटेड सारी न्यूज सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन लाइव अपडेट, कैबिनेट अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर अपर क्लास। द टाइमिंग ऑफ दिस अनाउंसमेंट बिफोर द 2019 जनरल, क्योंकि 2019 का जनरल इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इसका विस्तार से मैं आपको बताना जरूरी है। ये संविधान संशोधन के जरिए कोटा बढ़ाने की कोशिश में है मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी 50% जनरल के लिए है। आप नॉर्मल रिजर्वेशन उसमें आप अगर बढ़ाना चाहते हो, नॉर्मल 3-4 स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, बिहार, आई थिंक, डोंट नो, अदर स्टेट नहीं जानता मैं, लेकिन 4 स्टेटों के अंदर, इंडिया के अंदर है वो, उसमें कई, किसी में 55 है, किसी में 54 है, ऐसे करके 50 से ज़्यादा है नॉर्मली जो बच्चे हैं उनमें, सब में 50 है। तो ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है कि अभी 50 से लेकर 60 किया जाएगा, उसको कोटा बढ़ाने के संशोधन लाएगी। तो ये क्या है, आरक्षण कोटा बढ़ाएगी मोदी सरकार। आरक्षण का कोटा 50 से 60% बढ़कर होगा, मोदी सरकार का बहुत बड़ा ये फैसला है चुनाव आने से पहले। दोस्तों ये कल बिल ला सकती है, संविधान बिल ला सकती है सरकार। तो अभी अनाउंसमेंट किया आज कैबिनेट ने, और कल ये सरकार उसको बिल संशोधन का ला सकती है संसद में। तो कैबिनेट आरक्षण का कोटा 50 से 60% कर देगी जब ये संविधान ये संसद में आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद में अमेंडमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है वीकर क्लास के लिए। नॉर्मली ये होना चाहिए था, क्योंकि कई बहुत जगह देखा गया है कि नीचे OBC SC ST की मेरिट जनरल से भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि आजकल जो जनरल में पहले कैटेगरी आती थी वो अभी बहुत कैटेगरी है वो गरीबी के अंदर आने लग गई है। तो दोस्तों ये होना चाहिए था, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके क्या क्या कंडीशन है मैं आपको सारा बताऊंगा। किसे मिलेगा आरक्षण का फायदा, जिसकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम है, तभी जो जनरल कैटेगरी सवर्ण है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 8 लाख से कम उसकी परी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, किसे मिलेगा आरक्षण का फायदा, जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन हो उसको आरक्षण मिलेगा, 10% का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, किसे मिलेगा आरक्षण फायदा, इसमें 1000 वर्ग मीटर से छोटा अगर मकान है, या तो वो है पहले बताया मैंने जो 5 एकड़ से कम जमीन है, या फिर आपके पास में जमीन नहीं है, अगर आपके पास में 1000 वर्ग मीटर से बड़ा मकान है तब आपको नहीं मिलेगा, अगर छोटा मकान है तो आपको मिल जाएगा। 109 गज से कम का आवासीय प्लाट है, नोटिफाइड होना चाहिए वो, अगर नोटिफाइड है तब आपको फायदा मिल सकता है, कम का हो तो फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है, किसे मिलेगा आरक्षण का फायदा, 109 गज से कम का आवासीय प्लाट नोटिफाइड हो तो मिल सकता है उसके अंदर। फिर है, 209 गज से कम का आवासीय प्लाट नॉन नोटिफाइड, आवासीय प्लाट हो 209 गज से नीचे का तो तब भी आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा आरक्षण का। किसे मिलेगा आरक्षण का, जिसकी आमदनी 8 लाख से कम हो, ये बता चुका हूँ मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
दिस वीडियो। दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।